हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द सोशियोलॉजी क्लास कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम बुक 1। एज यू नो अवर रिवीजन वर्क इज गोइंग ऑन। इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अनटचेबिलिटी एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट यानी कि जो राज्य था उसके द्वारा या फिर नॉन स्टेट जैसे कि एनजीओ वगैरह होते हैं या फिर अदर इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए किसको हटाने में, कास्ट और ट्राइब्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर था सोसाइटी के अंदर उसको हटाने के लिए स्टेट ने और नॉन स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द इंडियन स्टेट हैज हैड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट सिंस इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडियन जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोग्राम चला रही थी किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए इंडिपेंडेंस से पहले ही, है ना। तो द शेड्यूल लिस्टिंग कास्ट एंड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड एज डिजर्विंग ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द मैसिव डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट देम वर ड्रॉन अप इन 1935। जो शेड्यूल इनको एक शेड्यूल में रखा गया, शेड्यूल यानी कि एक अनुसूची, है ना, एक लिस्ट बनाई गई इन सभी कास्ट की जिनमें कि उन कास्ट को रखा गया जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेटिव जो बिहेवियर था वो हो रहा था, जैसे कि दलित थे या फिर अनटचेबल जिनको कहा जाता था उनको रखा गया, और ऐसी ट्राइब्स को रखा गया जो कि मेन स्ट्रीम से बिल्कुल हटी हुई थी, है ना। क्यों रखा गया इनको, रिकॉग्नाइज करके एक लिस्ट बनाई गई, है ना, क्यों रखा गया इनके, और इनको ऐसा इनको क्योंकि ये डिजर्व करते थे एक स्पेशल ट्रीटमेंट। क्यों डिजर्व करते थे एक स्पेशल ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ द मैसिव डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड, क्योंकि इनके साथ कैसे व्यवहार हो रहा था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड व्यवहार हो रहा था। कैसा, अभी पिछली जो क्लासेस थे उसमें हमने पढ़ा क्या कि आपको आप जो लोग सभी जो साधन जो सब यूज कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जो ऑल जो थ्री कास्ट हैं, अदर थ्री जो वर्ण हैं, जैसे जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, वो सब चीजों का यूज कर रहे हैं, लेकिन शूद्र जो हैं या फिर दलित कह सकते हैं उनको इन सब चीजों से जो कि सोसाइटी में और लोगों के लिए जर्नल है, है ना, उनको दलितों को उनसे वंचित रखा गया, ये जो अनटचेबल लोग हैं उनको इनसे वंचित रखा जा रहा था, है ना। तो ये लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट को डिजर्व करते थे, है ना। तो इसके लिए 1935 में एक कह सकते हैं कि एक शेड्यूल्स जो है तैयार की गई, इनको उसमें रखा गया, इनको रिकॉग्नाइज करके उसमें रखा गया और इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, है ना, बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1935 में एक डिजाइन तैयार किया इन लोगों के लिए, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम पॉलिसीज हैव बीन कंटिन्यूड एंड मैनी न्यू वंस एडेड। और जो पॉलिसीज 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उन्हीं जो पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू किया गया और साथ ही उसमें कुछ नई पॉलिसीज भी जोड़ी गई, ठीक है। अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशंस इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स टू द अदर बैकवर्ड कास्ट सिंस द अर्ली 90s। और इसमें जो कह सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशन किया गया वो क्या था, 1990s में अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो प्रोग्राम था वो इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट आपको पता है ना, पिछड़ा वर्ग वाला जो था वो पहले नहीं था, पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थी, लेकिन 1990s में पिछड़ा वर्ग का भी इसके साथ का प्रोग्राम भी इसके साथ जोड़ दिया है, जो जातियां थी पिछड़ी हुई थी, है ना, सामाजिक सोसाइटी में सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जो कास्ट ऐसी थी पिछड़ी हुई थी उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव्स अटेम्प्टिंग टू कॉम्पनसेट फॉर
past and present caste discrimination is one popularly known as reservation. जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टेट के द्वारा लिया गया वो कौन सा था? रिजर्वेशन. जो शेड्यूल कास्ट थी या फिर शेड्यूल ट्राइब्स थी उनको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया गया कुछ चीजों में. दिस इन्वॉल्व्स द सेटिंग असाइड ऑफ सम प्लेसेस और सीट्स फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ में जो कुछ ऐसी सीट्स थी, कुछ ऐसे प्लेसेस थे जिनको रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, कुछ सीट्स थी जिनको रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के लिए कुछ जगहों पर कुछ चीजों को, कुछ सीट्स को, कुछ जगहों को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. ठीक है. These include reservation of seats in the state and central legislatures. यानि कि कुछ रिजर्व कुछ सीट्स का किसके लिए रिजर्वेशन, इस रिजर्वेशन में आप देख सकते हो कुछ सीट्स जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा में भी कुछ सीट्स पर्टिकुलरली अलॉट कर दी गई किन के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, कि इस पे उन्हीं के मेंबर अलॉट होंगे. ठीक है ना, ये उन्हीं के लिए लिखा हुआ आता है ना कि कहीं पे आप जॉब के लिए भी कोई अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कहीं कोई परफॉर्मा आता है तो उसमें साफ लिखा हुआ होता है कि ये किसके लिए सीट है, शेड्यूल ट्राइब्स लिखा आता है, एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर जनरल, सबकी सीटें बटी हुई होती है ना, कि ये पर्टिकुलरली वही व्यक्ति ले सकता है जो इस कास्ट से बिलोंग करता है. ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इस रिजर्वेशन के थ्रू क्या हुआ, रिजर्वेशन इन जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन मिला किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को. जो मैंने अभी बताया गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लिए. ठीक है. और पब्लिक सेक्टर्स की कुछ कंपनीज थी उनमें भी इनको रिजर्वेशन मिला कि ये लोग क्या करेंगे, जैसे जो गवर्नमेंट के अधीन कंपनीज थी उनमें भी इनको रिजर्वेशन दिया गया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इनके लिए सीट्स फिक्स की गई कि एससी की सीट्स हैं, ये एसटी की सीट्स हैं. कुछ जगहों पर तो एससी जो है उनको बिल्कुल जीरो पेमेंट पे वो मिलता है, क्या एडमिशन मिलता है. द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व सीट्स इज इक्वल टू द परसेंटेज शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन द टोटल पॉपुलेशन. जो कह सकते हैं कि जो सीटों का जो रिजर्व सीटों का जो अनुपात होता है वो टोटल पॉपुलेशन में जो शेड्यूल टाइप्स ऑफ शेड्यूल कास्ट हैं उनके परसेंटेज के बराबर होता है ना. बट फॉर द ओबीसीज दिस प्रोपोर्शन इज डिसाइडेड डिफरेंटली. लेकिन ओबीसीज में क्या है, ये डिफरेंट डिसाइड किया गया, उनको इतना नहीं, 27% के करीब कुछ है. द सेम प्रिंसिपल इज एक्सटेंडेड टू अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट. और इसी सेम प्रोसीजर को अलग जितने भी गवर्नमेंट के और प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वही सेम प्रोसीजर उसमें फॉलो किया गया है. सम ऑफ विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स वाइल अदर गिव देम प्रेफरेंस. कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको टोटली शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ही बनाया गया है, बट कुछ में उनको प्रेफरेंस दी गई है केवल कि वो है ना कि शेड्यूल होता है जब कोई फॉर्म निकलता है उसमें भी आप देखते हो कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए इतने रुपए का है और जनरल और ओबीसी के लिए इतने रुपए का है. तो कुछ चीजों में इनको प्रेफरेंस दी गई है, कुछ पर्टिकुलरली इन्हीं के लिए बनाए गए हैं. ठीक है. इन एडिशन टू रिजर्वेशन देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ लॉज पास्ड टू एंड प्रोहिबिटेड एंड पनिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. रिजर्वेशन के बाद भी कुछ चीजें हैं जो बनाई गई, बहुत सारे लॉ पास किए गए रिजर्वेशन के साथ साथ, कह सकते हैं कि रिजर्वेशन तो दिया ही गया लेकिन कुछ लॉज भी बनाए गए, बहुत सारे लॉज भी बनाए गए किसके लिए, पास किए गए किसके लिए, एंड करने के लिए, किसका एंड करने के लिए, प्रोहिबिटेड करने के लिए या फिर कास्ट को जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए ऐसे लॉ बनाए गए जिसमें कि उसको प्रोहिबिटेड किया गया. ऐसे जो जाति सूचक वर्ड जो दूसरे को बोले जाते हैं या फिर कुछ भी उनके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर किया जाता है,
उसके लिए पनिशमेंट का कानून लाया गया, इसको खत्म करने के लिए कोई एक लॉ लाया गया और उसको प्रोहिबिटेड करने के लिए, ठीक है। स्पेशली अनटचेबिलिटी क्या, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, जो अनटचेबिलिटी जो थी उसको खत्म करना था, ठीक है ना। वन ऑफ द अर्लीस्ट सच लॉज वॉज द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। इनमें से एक कौन सा है, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। इस एक्ट को कब लाया गया, 1850 में, विच डिस अलाउड द कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स ड्यू टू सोली टू चेंज ऑफ रिलीजन और कास्ट। ये एक ऐसा एक था जो, इसका नाम क्या था, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850। ये क्या करता है, डिसअलाउ करता है, ये कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ ऐसा बिहेवियर ना करें जो कि उसके रिलीजन और पर्टिकुलर कास्ट को लेकर हो, कि वो उसको किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी भी व्यक्ति को कास्ट या रिलीजन के बेस पे डिसेबल ठहराए, ऐसा किसी के साथ बिहेवियर ना हो, तो क्या लॉ लाया गया 1850 में, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट सच लॉ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। जो मोस्ट रिसेंट हमारे सामने जो अभी एक लॉ पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, विच बिकम लॉ, जो कि एक लॉ बना कब, 23 जनवरी 2006 को, ठीक है। कोइंसिडेंटली बोथ द 1850 लॉ एंड द 2006 अमेंडमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन, तो और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि दोनों ही जो 1850 का लॉ था और 2006 में जो अमेंडमेंट पास हुआ, दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड थे। द 93rd अमेंडमेंट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। 93 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हायर क्लास में जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको रिजर्वेशन मिला, है ना। व्हाइल द 1850 एक्ट यूज्ड टू अलाउ एंट्री ऑफ दलित्स टू गवर्नमेंट स्कूल, और 1850 के एक्ट में क्या था, जो दलित्स थे उनको अलाउ किया गया कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एंट्री ले सकते हैं, उनको गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, है ना। इन बिटवीन देयर हैव बीन नंबर्स ऑफ लॉज ऑफ विच द इम्पोर्टेंट वंस आर ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ passed in 1950 and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act of 1989। और हम कह सकते हैं कि इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो किसके लिए बनाए गए, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर अनटचेबिलिटी हैं उसको दूर करने के लिए बहुत सारे लॉज लाए गए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ही कब बना, 1950 में, और शेड्यूल कास्ट के लिए एक्ट जो लाए गए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो कब लाए गए, 1989 में। द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन प्रोविजंस मेंशन अबव। देखो हमारे जो द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, अबॉलिश करने के लिए किसको, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए आर्टिकल 17 में किसको इंट्रोड्यूस किया, रिजर्वेशन का प्रोविजन लेकर आए वो। द 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट रिवाइज्ड एंड स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजंस पनिशिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस और ह्यूमिलेशन अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासी। और क्या हुआ, 1989 में जो ये कह सकते हैं एट्रोसिटीज था, ये जो कैसा बिहेवियर था, ह्यूमिलेटेड बिहेवियर था, वायलेंस बिहेवियर था, उसको हटाने के लिए, या फिर अगर ऐसा बिहेवियर कोई किसी के साथ कर रहा है कास्ट बेस पे, है ना, दलित के साथ या आदिवासी के साथ, तो एक प्रोविजन लाया गया जिसमें इसके अगेंस्ट पनिशमेंट की अवधारणा दी। द फैक्ट दैट लेजिस्लेशन वॉज पास्ड रैपिडली ऑन द सब्जेक्ट इट इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द लॉ अलोन कैन नॉट एंड अ सोशल प्रैक्टिस। जो इस चीज को लेकर कह सकते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो बार बार आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, कभी कोई बिल पास हो रहा है, कभी कुछ
आ रहा है कि उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, किन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब्स के लिए, उनको उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर हो रहा है उसको मिटाने के लिए अलग अलग लॉज लाए गए हैं। तो क्यों ये बार बार लॉ बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक फैक्ट है जो हम देख सकते हैं कि केवल अकेला कानून ही ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा किसी भी एक ऐसी जो रूटेड हो चुकी है सोशल प्रैक्टिस उसको हटाया जाए। ये डिपेंड करता है लोगों की मेंटेलिटी पे कि वो इसमें चेंज लाएं, सबको एक समान समझें, है ना। इनफैक्ट एज यू विल हैव सीन फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया, केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज, आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, है ना, कि दलितों का, दबंगों ने दलितों का घर जला दिया, या फिर कुछ इस तरीके की आती है ना न्यूज में खबरें, इस तरीके की आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो ये सब यही तो है, जब तक लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी इस चीज को लेके, तब तक इस तरीके की जो सोशल प्रैक्टिस है जो सालों से चली आ रही है, हजारों सालों से, वो दूर नहीं हो सकती, है ना। और हम देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर तो आज भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बॉक्स 5.3 को रीड कर सकते हैं कि दलितों के प्रति किस तरीके से लोग बिहेवियर करते हैं, या किस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो दलितों को दबाते हैं, या फिर उनको उनके साथ कह सकते हैं कि वायलेंट बिहेवियर करते हैं, है ना। तो उससे इस बॉक्स नंबर 5.3 से ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये रीड कीजिएगा, ठीक है। स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज इन एनी केस, नो सोशल ग्रुप हाउज ओवर वीक और अपोज्ड इज ओनली अ विक्टिम, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्टिंग ऑन दियर ओन, ऑफन अगेंस्ट वेरी हैवी ओड्स टू स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी। केवल जो राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा एक्शन लिए गए किसके प्रति, जो किसी भी सोशल चेंज को लेकर, जैसे कि हम इसको डिस्क्रिमिनेशन को ही ले सकते हैं, तो वो केवल वो ही काफी नहीं रहते। कोई भी सोशल ग्रुप है, जब तक वो अपने, जब तक वो विक्टिम बना रहेगा या फिर अपने लिए खुद कदम नहीं उठाएगा, अपने लिए, अपनी चीजों के लिए खुद कह सकते हैं उनको प्रोटेस्ट नहीं करेगा किसी भी चीज को लेकर जो उसके साथ गलत हो रहा है, तब तक ऐसा हम कह सकते हैं कुछ नहीं होता। और ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप में कैपेबल है किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, या फिर जो उसके साथ गलत हो रहा है उसको, उसके प्रति आवाज उठाने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स किए गए किस चीज के लिए, जस्टिस के लिए, अपने डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, जो दलित लोग थे उनके द्वारा। दलित्स टू हैव बीन इंक्रीजिंगली एक्टिव ऑन द पॉलिटिकल, एग्रीटेशनल एंड कल्चरल फ्रंट्स फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, ज्योतिदास, पेरियार, अम्बेडकर एंड अदर्स टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश और द दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका। और जो दलित लोग थे उन लोगों ने भी अपनी जस्टिस के लिए, डिग्निटी के लिए आवाज उठानी शुरू की, वो भी बहुत सारी पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटी में क्या रहने लगे, एक्टिव रहने लगे। और प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो मूवमेंट्स थे, जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने चलाए, कौन, किस किसने चलाए, ज्योतिबा फूले, ज्योतिदास, पेरियार, अम्बेडकर, इन सब ने अपने जस्टिस के लिए, अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, जो बहुत सारे दलित को लेकर जो मूवमेंट्स थे वो चलाए इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। और अब हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में, या फिर दलित संघर्ष समिति है कर्नाटक में, उनके द्वारा भी जो ये दलितों को लेकर हैं बहुत सारी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। दलित हैव ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन सेवरल इंडियन लैंग्वेज, स्पेशली मराठी, कन्नड़, तमिल। जो दलित हैं वो बहुत सारे हम कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपना किस में दे रहे हैं, लिटरेचर में भी दे रहे हैं वो, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से रिलेटेड है, लाइक मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी, है ना। तो डिस्कशन के बाद बच्चों हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर
जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आई गवर्नमेंट किसके लिए, जो एससी एसटी है उनके लिए, और पूरा प्रयास किया गया किस चीज को हटाने का, अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर का को हटाने का, जो कि ये जो दलित हैं या फिर एससी एसटी हैं वो बहुत सालों से इसको फेस करते हुए आ रहे थे। और साथ ही साथ इन लोगों ने भी अपने जस्टिस को अपने के लिए, अपनी डिग्निटी को बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स की, है ना। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इनके लिए वर्क कर रही हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ। जय हिंद, बाय बाय।